नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लाउड किचन की ब्रांडिंग के सबसे मेन कंपोनेंट लोगो और उसकी टैगलाइन के बारे में। आप लोगों के मन में आधे से ज़्यादा यही होता होगा कि जो भी मैं बेचना चाहता हूँ अपने क्लाउड किचन में, उसी प्रकार का मुझे लोगो बनवाना है, टैगलाइन भी वैसी ही होनी चाहिए। पर ये क्या सही है, मैं आपको पूरे एग्जाम्पल्स के साथ बताने वाला हूँ। मैंने लगभग, अगर आप भी गूगल पे जाके टॉप 10 क्लाउड किचन ऑफ इंडिया डाल देंगे, तो आपको लगभग 10 से 15 करीब पूरे क्लाउड किचन की लिस्ट आ जाएगी। आधे से ज़्यादा इसमें रैवल फूड के ही हैं। आप उनके लोगों को देखिए, उनके नाम को देखिए, तब आप समझ पाएंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। मेरे कहने के लिए मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक पिज़्ज़ा बेचना चाहते हैं या फिर आप कुछ इटालियन का कुछ प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो आपका जो लोगो होगा वो सिर्फ पिज़्ज़ा के ऊपर नहीं होना चाहिए, या जो आपकी कंपनी का नाम या अपने आउटलेट का नाम होगा वो सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं रोल्स बेचना चाहता हूँ, तो मेरी मेरे जो लोगो में है रोल्स नहीं होना चाहिए, ना ही मेरे मेरे जो टैगलाइन है उसमें कहीं भी इस सिर्फ स्पेसिफिक एक रोल्स ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो यही सारी गलतियां हम लोग स्टार्टिंग में करते हैं, क्योंकि इस तरीके से मिथ फैलाए जाते हैं कि हमारे जो फूड का कॉन्सेप्ट है, हमारा लोगो, टैगलाइन, सब कुछ एक जैसा ही होना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अब यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्लाउड किचन एक तरीके से एक्सपेरिमेंटली होता है। आप जब भी स्टार्टअप करते हो, कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद आपको लगता है कि मुझे मेन्यू चेंज करना चाहिए। आप सोचते हो कि जहाँ पे मैंने स्टार्टअप किया है वहाँ पे तो इंडियन लोग खाना खा नहीं रहे, मैं यहाँ पे थोड़ा चाइनीज़ डाल दूँ, इटालियन डाल दूँ, पिज़्ज़ा बेचने लग जाऊँ, पास्ता बेचने लग जाऊँ। पर ऑलरेडी आपने जब अपना एक लोगो, अपनी एक टैगलाइन सेट कर ली होती है, तो आपको वो आइटम बेचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप समय समय पर अपने क्लाउड किचन के मेन्यूज़ को चेंज करें, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दुविधा हो जाती है। इसलिए ही मैं आपको ये पूरी बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर हम टॉप 10 क्या, मैं टॉप 15 नाम लिए हैं जो कि क्लाउड किचन इस समय इंडिया में सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। सबसे पहले फासोस है, दूसरे नंबर पे बैरोज़ बिरयानी है, तीसरे नंबर पे ओवन स्टोरी है, चौथे नंबर पे स्वीट टूथ है ट्रुथ है, उसके बाद फिरंगी बेक है, मैंड्रीन ओक है, द गुड बाउल, द 500 कैलोरीज प्रोजेक्ट, P2, Box 8, होला शेफ, फ्रेश मेन्यू, इनर शेफ, और साथ में लास्ट में हमारे पिगले। तो ये लगभग 15 ऐसे ब्रांड है जो कि इस समय क्लाउड किचन के तौर पे इंडिया में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें से काफ़ी सारे जो हैं ऑलरेडी जो हमारे रेबल फूड्स के अंदर आते हैं। इसमें से मैं कुछ कुछ लेने वाला हूँ, कुछ मैं आपको अलग से भी ब्रांड के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सबवे की। सबवे का मैं यहाँ लोगो लगा दूंगा। सबवे की जो टैगलाइन है वो है ईट फ्रेश। अगर आप एक, मान लीजिए आप एक अननोन पर्सन है जिन्हें नहीं मालूम सबवे क्या है, तो आप लोगों देख के कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि ये क्या बेच रहे हैं। लेकिन जब आप पढ़ते हो कि ईट फ्रेश, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे ये कुछ बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? अभी ये मान लीजिए सैंडविचेस बेचते हैं सबवे पे, हाईवे पे। अगर कल को ये दाल रोटी भी बेचने लग जाएंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो इनके नाम के अंदर ही है। ये आपको फ्रेश ही दे रहे हैं और आपको सबवे पे ही बेच रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि इन्होंने अपने लिए एक लिमिट नहीं रखी है, इन्होंने अपने अपने कॉन्सेप्ट को इतना ब्रॉड कर दिया है अपने लोगो और अपनी टैगलाइन के द्वारा। दूसरा यहाँ पे एक बहुत अच्छा है मेरा कैवेंटर्स। कैवेंटर्स सब जानते हैं, बोटल्स में मिल्क शेक बेचते हैं। अगर आप इनका नाम ही देखेंगे सिर्फ, तो कैवेंटर एक तरीके से आप बोलेंगे कहीं आपको ये डिफाइन ही नहीं कर पा रहे अपने आप को। पर जब आप इनका इनका जो टैगलाइन है द ओरिजिनल मिल्क शेक, तब आपको पता चलता है कि भैया ये मिल्क शेक बेच रहे हैं और ये मिल्क शेक ही बेचेंगे। अब ये मिल्क शेक के अंदर अपने ये स्मूदीज बेच सकते हैं, अपने ड्रिंक्स बेच सकते हैं, या बेवरेजेस में कुछ भी। तो इनका भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो आप इस तरीके भी सोच सकते हैं। पर इन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है सिर्फ ड्रिंक्स के अंदर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फासुस की, जो सबसे हॉट टॉपिक बोल सकते हैं आप। फासुस जिसका कि फीस्ट ऑन द रन, जिसका कि टैगलाइन है फीस्ट ऑन द रन। अब फासुस की जगह कुछ और भी नाम होता, पर उनका ब्रांड इस तरीके से चल रहा होता, आप लोग तब भी उससे आइटम परचेज करते हैं। फासुस सुन के कहीं भी नहीं लग रहा है कि ये फूड ब्रांड है या आपको ये कुछ ना कुछ बेचना चाहते हैं। पर जब आप ये पढ़ते हैं इनके टैगलाइन फीस्ट ऑन द रन, आपको लगता है कि हाँ, कुछ खाने को बिक रहा है। अगर आप फासुस की बात करेंगे, रोल्स भी बेच रहे हैं, बिरयानी भी बेच रहे हैं, ये सब कुछ बेच रहे हैं सिर्फ फासुस के ब्रांड के अंदर। तो इन्होंने भी अपने आप को कहीं लिमिट करने की कोशिश नहीं करी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे हम लोग फ्रेश मेन्यू की, फ्रेश मेन्यू बहुत अच्छी कंपनी है। इनकी जो टैगलाइन है वर्ड ऑन द प्लेट। अब फ्रेश मेन्यू अगर हम देखेंगे तो इन्होंने भी अपने आप को कहीं भी लिमिट नहीं करा है, और ये कुछ भी बेच रहे हैं, काफ़ी अच्छा बेच रहे हैं। मेरा मतलब है यहाँ पे
और इनका जो कॉन्सेप्ट अगर फ्रेश का मतलब कि हर दिन आपके लिए एक नया फ्रेश मेन्यू, तो इन्होंने भी अपने आप को कहीं भी लिमिट नहीं करा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मैकडोनल्ड की, मैकडोनल्ड का की जो टैगलाइन आई एम लविंग इट, अब मैकडोनल्ड अगर आप नाम सुनेंगे तो आपको कहीं लगेगा ये सिर्फ बर्गर बेचना चाहते हैं या ये कुछ और बेचना चाहते हैं, पर अब हमारे दिमाग में बार बार इनके बारे में सुन के देख के दिमाग में आ चुका है कि भैया ये लोग हमें बर्गर ही बेचते हैं, पर ये कई सारे आइटम्स और भी बेचते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यही था यहाँ पे कि हम अगर हम लोग अपने लोगो और या हम लोग टैगलाइन की बात करते हैं तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए जिसमें कि हमारे लिए हमेशा अपॉर्चुनिटीज खुली हो, अगर हम एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो कभी भी कर पाएँ। और इसके अलावा जो कि कलर्स की बात होगी वो आपको जो उस चीज़ के एक्सपर्ट है वही आपको बता सकते हैं लोगों के बारे में, लोगो डिज़ाइनिंग के बारे में, पर आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में ज़रूर रखनी है जब भी आपको अपनी लोगो या अपनी टैगलाइन को बनाना है। हमेशा अपने लिए एक स्पेस रहिए, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए अपने पास स्पेस रखिए, ताकि अगर आपको अपने मेन्यूज़ में कुछ भी बाद में एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ भी नई चीज़ में इंक्लूड करनी है, तो आप कहीं पे भी अटक ना जाएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझे नीचे लिख के भेज सकते हैं, या आप अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्री में एक डाउट क्लास चाहिए क्लाउड किचन की, तब भी आप मुझे नीचे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।